तो भाई इस तरह की जो सारी चीज़ें होती थी, जो बिल्डिंग्स होती थी, जो इमारत होती थी, वो तो मैं सिर्फ फिल्मों में या हम अक्सर सोशल मीडिया पिक्चर्स में देख रहे होते हैं। आज जो है मैंने आपके भाई ने रियल में भी देखी है। चेक करें भाई, ओ भाई ये चेक करें, ये तो किसी बादशाह का घर है, इतना बड़ा घर। ओ भाई चेक करें, और ये 1774 की इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक ये सबसे पहले इधर के बादशाह होते होंगे कोई। उसके बाद उन्होंने ये चाबी अपनी इनको दी, इनके हाथ में जो है वो कीज है। फिर 628 आ गया है। तो भाई वो सामने जो है एक मुगलिया दौर जमाने का जो है एक किला बना हुआ है। चेक करें भाई, तो प्रॉपर जो किला होता है वही बना हुआ, इतना पुराना इन्होंने अभी तक मेंटेन रखा हुआ है। हम अभी खड़े हुए साल्ज़बर्ग में, साल्ज़बर्ग के इस वाले पहाड़ के ऊपर हम खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं मौजूद हूँ इस वक्त ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग में। लास्ट व्लॉग में मैं जर्मनी से ऑस्ट्रिया आया था, ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग, और जो लास्ट व्लॉग था वो मैंने दरिया के ऊपर एंड किया था, और ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस शहर में जितने भी घूमने वाले पॉइंट थे, टूरिस्ट पॉइंट थे, वो हमने कवर कर लिए थे, लेकिन अभी भी कह रहे हैं इस शहर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट पॉइंट बाकी हैं। इधर एक पॉइंट बताया जा रहा है कि जहाँ से पूरा जो शहर है, ऑस्ट्रिया का शहर है, वो नज़र आ रहा था, और उधर एक बहुत पुराना किला भी बना हुआ है। तो हम जा रहे हैं उस किले के पास, और जो ऑस्ट्रिया का शहर है वो पूरा उस किले से नज़र आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं। तो भाई ये ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग का जो है ओल्डेस्ट सिटी एरिया है, जहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही हैं। तकरीबन 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये। इनके जो पिलर्स हैं वो बता रहे हैं कि वाकई में जो है बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुराने ज़माने में हुआ करती थी। ये वाला पिलर चेक करें, इस तरह का मटेरियल तो पहले टाइमों में यूज़ होता था। तो भाई ये जो शहर है साल्ज़बर्ग ऑस्ट्रिया का, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। जैसे चेक रिपब्लिक का पराग शहर था, उसी तरीके से ये शहर बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी जो है यहाँ पे कलरफुल है, और हर बिल्डिंग जो है वो रेनोवेट हुई है। इन्होंने अपनी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इन्होंने उनको भी संभाल के रखा हुआ है, और उन्हीं के अंदर जो है शॉप वगैरह बनाई हुई है। ये चेक करें भाई, मैं इस गली से आ रहा था और एक गली इस तरफ भी जा रही है, लेकिन हमने जाना है इस तरफ, क्योंकि इधर बता रहे हैं कोई एक अच्छा सा पॉइंट भी है। ओ भाई ये चेक कर रहे हैं, ये तो इनका कोई बहुत पुराना जो है वो किला लग रहा है। ओ भाई इतना बड़ा किला चेक कर रहे हैं भाई, बेहतरीन किस्म का लग रहा है। तो भाई इस तरह की जो सारी चीज़ें होती थी, जो बिल्डिंग्स होती थी, जो इमारत होती थी, वो तो मैं सिर्फ फिल्मों में या हम अक्सर सोशल मीडिया पिक्चर्स में देख रहे होते हैं। आज जो है मैंने आपके भाई ने रियल में भी देखी है। चेक करें भाई, वकार अहमद वर्ल्ड का जो टूर है वो अपनी फुल स्पीड के साथ जारी है, और हम ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग में आ गए, और हमारा दूसरा जो कंट्री है वो भी इसमें काउंट हो चुका है। चेक करें भाई, तो भाई यहाँ पे जो है वो तांगा भी खड़ा हुआ है। पुराने ज़माने में जैसे तांगे चलते थे, घोड़सवार होता था, उसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराने ज़माने में वापसी आ गया हूँ। चेक करें भाई, फुल ब्रिटिश दौर के इन्होंने बग्घी बनाई हुई है, और इस पीछे किला जैसे पुराने ज़माने में सफ़र हो रहा होता था, उसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ। और ये लेकिन ये तो अभी टूरिस्ट के लिए सवारी रखी हुई है इन्होंने। ओ भाई ये चेक करें, ये तो किसी बादशाह का घर है, इतना बड़ा घर। ओ भाई चेक करें, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पूरा कोई किला, और यहाँ पे जो है वो जंगें हुआ करती थी। चेक करें भाई, तो भाई ये बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा पुराना किला लग रहा है, और ये 1774 की इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक ये सबसे पहले इधर के बादशाह होते होंगे कोई। उसके बाद उन्होंने ये चाबी अपनी इनको दी, इनके हाथ में जो है वो कीज़ है।
फिर 628 आ गया, फिर उसके बाद ये 1628 आ गया, उसके बाद ये कोई बादशाह गुजरे होंगे, उन्होंने कीज इनको दे दी, उसके बाद लास्ट में 1959 जो लास्ट में जो है वो कीज उस बादशाह के पास गई होंगी, इन्होंने इस तरह से इधर लिखा हुआ। तो भाई ये बिल्डिंग भी जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसका तो हम गैस ही नहीं कर सकते, ये तो कई हज़ार साल पुरानी बिल्डिंग्स लग रही है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके ख़राब ना होने की वजह एक ये भी है, जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है सीधा दीवारों पे नहीं लगता, जो ऊपर से पानी आ रहा होता है वो दीवारों के ऊपर नहीं गिरता, इन्होंने सारी जो है पाइपलाइनिंग की है, पूरा पानी का सिस्टम जो ड्रेन है इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, और जो बारिश का पानी है वो जमा होकर सीधा में जा रहा होता है। तो भाई इस तरफ से हमने आगे जाना है, इधर एक पॉइंट और बता रहे हैं, तो भी इधर तो जो व्यूज हैं जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत ऑस्ट्रिया का शहर साल्ज़बर्ग ये बना हुआ है। तो भाई इधर जो है वो लाइव शतरंज भी खेली जा रही है, इतने बड़े बड़े जो पीस हैं उनके साथ ये शतरंज खेल रहे हैं जमीन के ऊपर, चेक करें भाई। तो भाई वो सामने जो है एक मुगलिया दौर ज़माने का जो है एक किला बना हुआ है, चेक करें भाई, तो प्रॉपर जो किला होता है वही बना हुआ है, इतना पुराना इन्होंने अभी तक मेंटेन रखा हुआ है, कि हाइट चेक करें और कितना ऊपर इन्होंने पहाड़ पे बनाया हुआ है और अभी तक जो है ये कायम दायम है। तो भाई हम इस रास्ते से जो है ऊपर जा रहे हैं ऊपर किले की तरफ, आई थिंक किला जो है अभी खुला हुआ है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग थी वो 5:00 थी, कहीं ये बंद ना हो गया। तो भाई ये इधर की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनकी इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, चीज़ें बनाई हुई हैं, ये जो बाबा सिंह का हिरन नहीं होता ये उसकी सिंग है ये। ये किले के जो पिलर्स हैं ये चेक करें भाई, ये किले की दीवारें हैं बहुत ज़्यादा पुरानी और इनकी विड्थ चेक करें, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है भाई। तो ये वाली बिल्डिंग इन्होंने रेनोवेट कर दी है। तो भाई ये यहाँ का जो है वो लास्ट पॉइंट है ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग का, जहाँ से जो पूरा शहर है वो नज़र आ रहा होता है। ये जो बेसिकली हम जो थोड़ी देर पहले किला देख रहे थे, हम उस किले के पास जा रहे हैं, वहाँ से जो पूरा शहर है वो ये नज़र आ रहा होता है। फाइनली जो इसका मेन पॉइंट है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी हम बिल्कुल टॉप पे नहीं गए लेकिन ऑलरेडी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और जो शहर है वो नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने जो थोड़ा सा और ऊपर जाना है भाई, ये तो पूरा पहाड़ी बना हुआ है, इसकी इन्होंने कटिंग की हुई है और रास्ता बनाया हुआ है, एक रास्ता उस तरफ भी जा रहा है लेकिन हमने जो है वो इस तरफ जाना है। तो भाई यहाँ से जो पूरा शहर नज़र आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम अभी भी जो है वो ऊपर जा रहे हैं, अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा रास्ता बाकी है। ओ भाई ये चेक करें, जो किलों के साथ एक टावर बना हुआ होता था जिसमें नीचे से ऊपर आने का रास्ता होता था, ये वही टावर है और इसके अंदर आई थिंक स्टेप्स भी बने हुए, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो नीचे से जो बंदे होते थे जो इनके सिपाही होते थे वो इस रास्ते से जो है वो ऊपर आया करते होंगे। ये किला इनका और ये नीचे से आने के लिए रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। तो भाई वो सामने जो है एक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है,
ओ भाई ये व्यू चेक कर, ये किले की दूसरी साइड है और सामने जो है वो पहाड़ी पहाड़ है और बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई हुई हर पहाड़ के ऊपर। चेक कर रहे भाई, तो भाई ये आ गया वो किला, इसकी मेन एंट्री आ गई है। तो भाई यहाँ से जो ये ऑस्ट्रिया का शहर है साल्ज़बर्ग, ये पूरा व्यू जो है यहाँ से कवर हो रहा है। चेक करें भाई, ये किले के इस तरफ जो साल्ज़बर्ग का पार्ट है ये वो नज़र आ रहा है और किले के उस तरफ दूसरा पार्ट था वो भी यहाँ से जो है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है। और भाई यहाँ पे जो है वो इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। हम अभी खड़े हैं साल्ज़बर्ग में, साल्ज़बर्ग के इस वाले पहाड़ के ऊपर हम खड़े हुए। बेसिकली एक पहाड़ है उसके ऊपर ये किला बना हुआ है और हम इस वक्त इधर मौजूद हैं। इन्होंने एरो बना के बताया हुआ है और ये साल्ज़बर्ग का पूरा शहर है और इसमें हम ये जो पॉइंट आपको एरो नज़र आ रहा होगा हम यहाँ पे खड़े हैं। तो भाई मैं आया हुआ था ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग। ये इस शहर का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे एक किला भी है और ये किला जो है बहुत ज़्यादा पुराना किला है। यहाँ से जो पूरा शहर जो वो नज़र आ रहा होता है साल्ज़बर्ग का, तो भाई बहुत ज़्यादा पुराना शहर है ये और बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट बने हुए घूमने के लिए। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना आपको साल्ज़बर्ग शहर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।